हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यक्षु एंड मम्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे और यक्षित का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग पैकिंग वगैरह कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को घर जाना है, और दिखाएंगे आपको कि कैसे अपना पैकिंग वगैरह किए हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और यक्षित यहाँ पर अपना कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, तो बस अब निकलेंगे हम लोग कल मॉर्निंग में घर के लिए। प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, और बाय कार जाने वाले हैं हम लोग, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, और अगर आप देखते हो तो। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं यक्षित की हेयर कटिंग कराने, क्योंकि घर जाने से पहले थोड़ा बाल वगैरह बन जाए। मैं तो अपना पार्लर का घर पर बुला ली थी, आप लोगों ने देखा था शॉर्ट्स में। और यहाँ पे यक्षित अपना हेयर कटिंग, मतलब बच्चे इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, पहले इतना रोता था जब भी बोलते थे हम लोग कि हेयर कटिंग करानी है तो नहीं नहीं जाना है ये वो, बट अब बहुत अच्छे से हेयर कटिंग हो जाती है। तो यहीं पे इनके पापा और यक्षित दोनों का हेयर कटिंग हुआ, और फिर उसके बाद और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाटा के शोरूम पे, सैंडल लेनी थी मुझे। फिर मैं आ गई घर पे, और कल मॉर्निंग में ही निकलना है हमें 4 o'clock पे। तो मैंने सोचा नेल पेंट वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, नेल्स ऐसे रहते हैं। तो बस अपना नेल पेंट लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे हो चुकी है शाम, और यक्षित ने अपने फ्रेंड को बुलाया घर पे, क्योंकि ये जा रहे हैं घर। तो इन्होंने बोला कि मामा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी भी होली पार्टी करूँगा। तो बस ये टॉयज़ वगैरह खेल रहे हैं, फ्राइज़ खा रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग की टाइम, और 3:30 पे मैं उठी थी। तो बस मैं रेडी हो रही हूँ, फिर मुझे चाय बनाना है, ब्रेड वगैरह सेकना है, क्योंकि चाय वगैरह पी के जाएंगे। तो बस यही कर रही हूँ मैं, और जो थोड़ी बहुत होता है ना निकलते टाइम का जो पैकिंग वो भी था। तो मैं बस इनके पापा इधर उधर बुला रहे थे, पूछ रहे थे रख लिया रख लिया, बस यही कर रही थी मैं। और यहाँ पर बस अपना काम करते हैं, फिर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, और बस अब यक्षित को उठाना, यक्षित तो सोए सोए जाएंगे। तो बस अब हम लोगों ने लॉक वगैरह लगा दिया, और हम सब लोग साथ में जा रहे हैं, यक्षित के चाचू पापा मैं और यक्षित। तो बस गाड़ी निकल रही है सुबह सुबह, और बस हम लोग बाय रोड जा रहे हैं कार से। थोड़ा सा रिस्की होता है बट अच्छा भी लगता है, फैमिली साथ में होती है, और अगर चलाने वाला अच्छा हो तो और भी अच्छा होता है। तो दोनों भाई मिल के चला लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस ये आप लोग देखिए जो सुबह मॉर्निंग का होता है ना व्यू, वो देखिए बहुत अच्छा लग रहा था, बट नींद बहुत आ रही थी। हमने सोचा था कि हम लोग रात को जल्दी सो जाएंगे, बट जिस दिन सोचते हैं हम लोग कि जल्दी सोएंगे उस दिन नींद ही नहीं आती है। तो बस यही हुआ था हमारे साथ, लेट सोए थे फिर जल्दी उठे। तो यहाँ पे हम यमुना एक्सप्रेस वे पहुँच गए हैं।
मेरे ऑफिस में काम करता है वो आता है सिकंदर आते सिकंदर जेवर से 20 किलोमीटर और वो एक जी से आता है पर वो उसका सही है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टोल आ चुका है जेवर का और यहाँ से हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे और अपने फेवरेट शिवा ढाबे पे रुकेंगे। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है हमारे घर जाने का। और यक्षित अभी सो रहे हैं तो बस आपको दिखाते हैं शिवा ढाबे पे रुकते हैं फिर दिखाते हैं क्या चाय वगैरह पियेंगे हम लोग। तो ये हमारा फर्स्ट टोल है। तो फ्रेंड बस ये हमारा फर्स्ट टोल अब हम क्रॉस करेंगे और यहाँ पे हमारे टोल का लगा था 125 रुपीज़। तो बस कंटिन्यू करते हैं अपनी राइडिंग और बाय रोड जाना अच्छा लगता है हमें, ट्रेन से अच्छा लगता है, उतने ही पैसे में हम लोग घर पहुँच जाते हैं जितने में हम ट्रेन से पहुँचते हैं, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। तो बस निकलते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आपको। और अब हमारा फेवरेट शिवा ढाबा आने वाला है तो यहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे और रात का टाइम है तो कुछ बाहर का तो दिखेगा नहीं जो, और इस टाइम कुछ खाने का भी मन नहीं करता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। और अभी 6 o'clock हो रहे हैं और हम लोग दिल्ली से निकल चुके हैं और यहाँ पे हम लोग शिवा ढाबे पे रुके हैं और हमारा जैसे कि देखा आप लोगों ने फर्स्ट टोल कट चुका है। तो बस यहाँ पे बस चाय पियेंगे फिर निकलेंगे। सुबह 4 बजे हम लोग उठे थे, नहीं 3 o'clock पे उठे थे, फिर 4:30 बजे हम लोग घर से निकले। बस यक्षित अभी सो रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमेशा सोते सोते ही जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में। तो प्लीज़ अगर हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहें। आपको दिखाएंगे कि हम लोग कैसे जाते हैं बाई रोड कार से, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। मिलते हैं थोड़ी देर बाद चाय पी के। तो यहाँ पे सनराइज़ देखिए आप लोगों कितना अच्छा लग रहा है। अभी सिर्फ लालिमा हुई है स्काई में, अभी निकले नहीं हैं, बट मेरे को देखना था कि कैसे होता है सनराइज़। तो हम लोगों ने बहुत देर तक वेट किया और फाइनली हमें दिखा, तो प्लीज़ देखिए आप लोग भी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और सुबह का मॉर्निंग तो ऐसे ही अच्छा लगता है। तो बस देखिए यहाँ पर सूरज ज़्यादा आ चुके हैं और मैं जूम कर करके आप लोग को दिखा रही हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी राइडिंग और मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा सेकंड टोल आ गया है मथुरा जी का टोल प्लाज़ा और यहाँ पे हमारा 160 रुपीज़ लगे थे टोल का। तो बस यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आप लोग को इतने एक्साइटेड में बोल रहे हैं, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार देना, आपको बहुत ही अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिलेगा मेरे घर का। और ये ब्लॉग थोड़ा मैं लेट अपलोड कर रही हूँ तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग डाल।
ये हमारा तीसरा टोल प्लाजा आ गया है, यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और अब हम यहाँ से आगरा इनर सर्कल रोड पे जाएंगे। उसके बाद हम ताज एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे जो हमें लखनऊ तक ले जाएगी। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको, लखनऊ का भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे। तो ये हमारा लखनऊ का, आपको दिख गया होगा लखनऊ लिखा था कितना किलोमीटर है। तो गाइस हम ताज एक्सप्रेसवे पे एंटर कर रहे हैं और यहाँ से हमारा एक और, तो गाइस हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 300 किलोमीटर को 4 घंटे में पूरे कर। चौथा टोल कट चुका है और अभी हम लोग हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे पे और यक्षित अभी सो रहे हैं, तो अभी ये उठेंगे, फिर इनको हम लोग ब्रश वगैरह कराएंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि हम लोग कैसे अपना ट्रैवल करते हैं। बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। यक्षित की नींद खुल चुकी है और बस यक्षित अब फ्रेश होने वाले हैं, तो इन्हें हम लोग ब्रश कराएंगे। और फर्स्ट क्या करता है यक्षित ब्रश करने के बाद? ब्रश करने के बाद क्या करते हैं यक्षु? मैडम उतरी आपकी। तो फिर हनी खाएंगे, फिर बिस्किट खाएंगे, फिर मैं इनके लिए बना के लाई हूँ कुछ स्पेशल, इनका फेवरेट, वो खाएंगे और फिर इंजॉय करेंगे ट्रिप को। ओके यक्षु हाय कर दो। हाय। तो चलते हैं यक्षित को ब्रश कराते। तो फ्रेंड यहाँ पे यक्षित ने ब्रश कर लिया है और ब्रश वाली जो भी क्लिप थी वो नहीं रिकॉर्ड हो पाई, तो बस यहाँ पे बिस्किट पानी खा रहे हैं। फिर इनको मैं इनको बना के लाई हूँ घर से पूड़ी और इनका फेवरेट पनीर, वो खाएंगे। तो ये हमारा ट्रिप चल रहा है। तो यहाँ पे हीरा स्वीट्स का डोडा बर्फी, मुझे तो मीठा पसंद नहीं। तो फ्रेंड हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक लिया है और चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। यहाँ फूड प्लाजा है, यहाँ पे कुछ जा रहे हैं अपने पापा के साथ, दिखाती हूँ आप। तो रहे वो रहे दोनों और यक्षित के चाचू भी आ रहे हैं पीछे से। तो फ्रेंड हमने कुछ खा पी लिया यहाँ से, डोसा चाय, यक्षित का फेवरेट डोसा है, तो इन्होंने मसाले डोसा खाया, हमने चाय पिया और मठरी खाई। और यहाँ पे ड्राइवर चेंज हो चुका है, तो यक्षित के चाचू ड्राइव कर रहे हैं और इनके पापा इधर से। बस यक्षित की मस्ती देखिए आप लोग, सीट के ऊपर कैसे बैठे हुए हैं, तो देखिए और इन्जॉय करिए। कौन बैठता है अपनी गाड़ी में? यक्षु या तो पीछे आ जाओ या तो चाचू के पास चले जाओ। मुझे ऐसे ही बैठना है। ऐसे बैठना है? तभी पिटाई होगी आपकी बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड जो बीच की क्लिप है वो शूट नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी। और अभी हम लोग हैं लखनऊ गोरखपुर रोड पे और बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो फ्रेंड दिन के 2 बज रहे हैं और हम लोग 1:30 बजे तक लखनऊ पहुंच गए थे। और अभी हम लोग अयोध्या जी दिखाएंगे आप लोग के, सरयू नदी। और यक्षित बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अयोध्या जी में, जो राम जी का स्टैचू, हनुमान जी का, वो सब भी यक्षित देखते हैं तो बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं जब भी हम लोग आते हैं। तो वो सब क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई, बट अयोध्या जी का आप लोग देख लीजिए। तो ये हम लोग अयोध्या जी में एंटर हो चुके हैं और सरयू नदी भी आपको दिखा रहे हैं थोड़ी देर। Oh,
फ्लावर्स है। हाँ यहाँ हम लोग आए थे अक्षु, यहाँ आए थे ना। तो फ्रेंड हम अपने एक और फेवरेट जगह पे आए हैं जहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है चाय वगैरह पीना। तो यहाँ पे हम लोग पनीर के पराठे, लस्सी, चाय, यक्षित का चाउमीन। तो ये है अवधेश सिंह ढाबा, आप लोग भी जाना। और ये है इस 27 पे, ये आपको मिल जाएगा अवधेश सिंह ढाबा। और बहुत अच्छा यहाँ का जो खाना है, जो चाय वगैरह है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो सिर्फ मैंने लस्सी पिया और इन लोगों ने चाय पिया। तो बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं देवरिया और आप लोग को दिखाते हैं कितना डिस्टेंस है। तो देखिए आप लोग, 10 मिनट्स लेफ्ट है बस। अच्छा हो गया, हो गया। और बहुत अच्छा लगता है देवरिया हमें। तो यक्षित भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और अभी तो सो रहे हैं, इन्हें जब हम लोग घर पर पहुँच जाएंगे तब इन्हें जगाएंगे। फिर देखते हैं यक्षित का क्या रहता है अम्मा दादू को देख के, इनकी एक्साइटमेंट जो है वो कितना दिखता है। अभी सो रहे हैं, सोने देते हैं। और बस आप लोग मिनट देखिए, हम लोग भी काउंट कर रहे हैं। तो आप लोग को मिलते हैं घर पे और दिखाते हैं आपको अपना हाउस, स्वीट होम। तो फ्रेंड देखिए हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं, अपने स्वीट होम। और ये ऊपर साइड में लगाना पड़ेगा अभी। तो हम लोग 900 किलोमीटर, दादू उठ गए, देखोगे दादू भाग के आ रहे हैं, डिस्टेंस पूरा कर लिया है। और यक्षित अभी रोने लगे, उठ ही नहीं रहे। यक्षित उठो उठो उठो। तो फ्रेंड देखिए फाइनली हम घर पहुंच गए और यक्षित की नींद खुल गई है। और यक्षित के दादू की स्माइल देखिए, मतलब दादू पोते का प्यार। तो हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे और 7:30 पे हम अपने होम टाउन देवरिया पहुंच गए हैं। और यहाँ पे दादू यक्षित को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं कि हमारा नाती आया है। और यहाँ पे उनकी अम्मा और यक्षित, सबसे ज़्यादा ना पोते से दादी का और दादू का बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो यक्षित की अम्मा यक्षित को प्यार कर रही हैं। और हम लोग घर पहुंच गए हैं। और बस आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मैं भी पहुंच गई हूं और बहुत अच्छा लग रहा है घर आके, ज़्यादा दिन बाद आए हम लोग। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।